परिवहन निगम पर्यटकों को अब एक और राहत पहुंचाने जा रहा है। अब पर्यटक सीधे सिकंदरा और रुनकता होते हुए फतेहपुर सीकरी के लिए आसानी से जा सकेंगे, क्योंकि परिवहन निगम ने इन रूटों पर नई बसें शुरू की हैं, जिसका शुभारंभ फतेहपुर सीकरी विधायक बाबूलाल के द्वारा ईदगाह बस स्टैंड पर फीता काट कर किया गया। इस दौरान RM मनोज कुमार पुंडिर भी मौजूद रहे। विभाग के सहयोग से जनता को यहाँ से ईदगाह से लेकर के किरावली होते हुई ओंडेला दाऊदपुर के लिए बस जाएगी, और ऐसे ही IHBT से रुनकता होती हुई किरावली से फतेहपुर सीकरी, ये बस का संचालन होने के बाद जनता को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। पहले आगरा से 22 नंबर बस चला करती थी सिटी बस रुनकता तक, उसमें बहुत सवारियाँ निकलती थी, पता नहीं किन कारणों से बंद हो गई वो। आज जनता इतनी परेशान है, उसमें आपके टेम्पू हैं या उसमें प्राइवेट वाहनों से जाती है, जनता बहुत परेशान है। मैं तो जिस दिन से हम लोग विधायक बने उस दिन से ही आपके परिवहन निगम के अधिकारियों से संपर्क करके हमने कि इन बसों को चालू कराया जाए, जिससे कि जनता को सुविधा मिल सके। तो हम विभाग के परिवहन विभाग के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने आज शुरुआत करा रहे हैं और जनता को इसका लाभ भी मिलेगा। ISBT से हम एक बस सेवा चला रहे हैं जो दिन भर चलेंगी, 4 बसें जो रुनकता होते हुए फतेहपुर सीकरी जाएंगी, ईदगाह बस स्टेशन से दाऊदपुरा गांव और हमारा जो बस स्टेशन है वहाँ अछनेरा हाँ उस पर चलाई जाएगी, ये दिन भर वहाँ चलेंगी। और माननीय विधायक जी का ये शुरुआत से ही था कि इसे उसमें चलाया जाए, तो अधिसूचना लगी हुई थी इसलिए कार्यक्रम नहीं कर पाए थे, आज इसका औपचारिक रूप से शुभारंभ किया जा रहा है। नहीं देखिए, हमारी यहाँ बस चलती थी दाऊदपुर के लिए, आगरा से फतेहपुर सीकरी और फतेहपुर सीकरी से दाऊदपुर में उसका नाइट होल्ड होता था, लेकिन बहुत दिनों से वो बस सेवा बंद थी और लगभग मैं समझ रहा हूँ 4-5 साल से वो सेवा बंद थी, कोरोना काल में तो बिल्कुल ही बंद रही है। तो ये माननीय विधायक जी के प्रयास से शुरू हुई है, RM साहब ने शुरू कराई है। और दूसरा, एक अछनेरा के कोई बस हमारी नहीं निकलती थी, तो अछनेरा का जो बस स्टैंड है उसकी स्थिति भी बहुत दयनीय है, तो उसके लिए भी RM साहब ने कहा है, उसके लिए एक बस रुनकता से और इधर से शुरू करा दी है। तो ये ऐसे दोनों रूटों पे दो दो बसें संचालित कराई हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी तो उसके हिसाब से और बसों की संख्या बढ़ेगी, और जो नए रूट हैं जो सुझाव RM साहब को दिए हैं माननीय विधायक जी ने, उन पर भी जल्दी बसों का संचालन शुरू होगा।